हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 24 फरवरी 2020। आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो है उसे डिस्कस करेंगे विद स्टैटिक जी के। टुडे डिस्कशन टॉपिक जो रहेगा मोटिवेशन कोट रहेगा, वन लाइनर न्यूज़ रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेगी, एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेंगे, स्टेट रहेगा और उससे रिलेटिव स्टैटिक जी की रहेगा और स्पेशल नॉलेज रहेगी। वीडियो आपको पूरा वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। आपको नॉलेज लेनी है, अगर आपको तैयारी करनी है तो वीडियो जो है पूरा वॉच करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन कोट है, आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने बनाए रास्ते को चुने। ठीक है, अगर आपको आगे बढ़ना वाकई में आप चाहते हैं कि आप में इतनी डेडिकेशन है कि आपको सक्सेस होना ही है, तो फिर आप सबकी सुने और अपने रास्ते खुद डिसाइड करें। क्योंकि आप जब कहने में आ जाते हैं ना तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है कि ये अच्छा है वो अच्छा है। क्या है, आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है और उसी रास्ते पर जाना है और आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। ओके, अब देख लेते हैं आज की वन लाइनर न्यूज़ क्या है। महत्वपूर्ण दिन से पहली न्यूज़ रहेगी विश्व चिंतन दिवस, जो कि 22 फरवरी को मनाया गया, उसकी थीम क्या रही है। तो उसकी थीम रही है लिविंग थ्रेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस अवधि के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति का अनावरण किया है। तो 2019 से 24 के लिए राष्ट्रीय रणनीति का अनावरण किया है। अब बात हो रही है आरबीआई की, तो आरबीआई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस 100% बन जाते हैं। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको पूछा जाएगा तो मुंबई में आपको मिलेगा। ओके, आरबीआई के गवर्नर पूछे जाएंगे तो शक्तिकांत दास जी हो जाएंगे। अगर आरबीआई की ये पूछ लिया जाए कि अगर चौथे नंबर के डेप्यूटी गवर्नर कौन है, तो डेप्यूटी गवर्नर जो हैं वो हैं माइकल डी पात्रा। ये अभी नव नियुक्त हुए हैं, इसलिए ये न्यूज़ के मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिच मचर ने किस देश के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। एक रिच मचर नामक व्यक्ति है, इन्होंने दक्षिण सूडान नामक जो देश है उसके प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के किस जगह लगभग 3000 टन का स्वर्ण धातु की खान की खोज की है। ये अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, अगर आप न्यूज़ भी फॉलो करते हैं, हेलो वगैरह कुछ भी यूज़ करते हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। पहले ये कहा गया था कि 3000 टन सोने की खोज की गई है, जो हमारे भारत के देश से 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो सोना नहीं है वहाँ पर इतना, पर जो स्वर्ण धातु है वो खोजी गई और लगभग 303 ग्राम सोना प्राप्त हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, सोनभद्र जिला में, सोना पहाड़ी और हरदी क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में लद्दाख शिशिर परिषद 2020 का आयोजन किया गया है। तो ये आयोजन किया गया है लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुडिशियरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड इस विषय के तहत 22 फरवरी को किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो ये आयोजन है जो किया गया है नई दिल्ली के अंदर। ओके, नई दिल्ली की कैपिटल आप सभी को पता है, नई दिल्ली ही हो जाती है। नई दिल्ली में अभी इलेक्शन हुए थे तो आम आदमी पार्टी ने 63 सीट पर अपनी विजय हासिल की है और उन्होंने जो सीएम है ना, चीफ मिनिस्टर वहाँ के अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछ लिए जाएंगे तो हैं हमारे वहाँ के अनिल बैजल जी। अगर पूछ लिया जाए कि दिल्ली कौन सी हिल पर अवस्थित है, तो रायसीना हिल्स पर दिल्ली अवस्थित है। ठीक है, लाल किला, लोटस टेम्पल्स वगैरह आपको दिल्ली के अंदर मिलेंगे। आदि महोत्सव दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में कुछ ना कुछ होते ही रहता है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दिल्ली बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में चित्र भारती फिल्म महोत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। तो अहमदाबाद गुजरात में तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है चित्र भारती फिल्म महोत्सव का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श विधानसभा अध्यक्ष, आदर्श विधान परिषद अध्यक्ष पुरस्कार 2020 के विजेता कौन बने हैं। तो पी रामकृष्णन, ये केरल विधानसभा के सभापति हैं, इन्हें आदर्श विधानसभा अध्यक्ष, आदर्श विधान परिषद अध्यक्ष के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सुनील गुरबख्शानी को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। तो धनलक्ष्मी बैंक के जो MD & CEO बनेंगे वो बनेंगे सुनील गुरबख्शानी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा दिए गए वार्षिक प्रत्यक्ष कर शिखर सम्मेलन एवं पुरस्कार 2020 कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ इन हाउस डायरेक्ट टैक्स टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड जो हैं पुरस्कार के विजेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए व्यक्ति का नाम क्या है? भास्कर खुलवे और अमरजीत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स कार्निवल जूनियर अंडर 18 आइस हॉकी एंड स्केटिंग चैंपियनशिप के विजेता कौन सी टीम रही है? तो वो रही है द्रास रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले गांधी शांति केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ओडिशा में किया गया है, खंडगिरी उदयगिरी की गुफाओं के पास। ओके, ओडिशा की कैपिटल हो जाती है भुवनेश्वर। वहाँ के अगर सीएम पूछ ले जाएँ तो नवीन पटनायक, अगर राज्यपाल पूछ ले जाएँ तो आप बता देंगे गणेशी लाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के कौन कौन से शहर हैं जिन्हें स्वच्छ भारत अभियान द्वारा खुले में शौच मुक्त प्लस के रूप में प्रमाणित किया गया है? ODF प्लस के रूप में इन्हें प्रमाणित कर दिया, तो वो है हैलाकांडी और गोलाघाट। ये हैं यहाँ पर पूर्णतः बिल्कुल ODF प्लस हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी खुले में सोच नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा ने 21 फरवरी को सर्वसम्मत से एक निजी सदस्य के प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें केंद्र ने संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए उपाय करने के लिए कहा है? तो मिजोरम ने। अब जो भी सामान्य ज्ञान है वो भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 19 अप्रैल 1945 को ही। इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाएगा तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व चिंतन दिवस इस स्काउटिंग और मार्गदर्शक संस्थापक के दिवस पर मनाया जाता है, जन्मदिवस पर मनाया जाता है? तो लॉर्ड रॉबर्ट बेडेन पॉवेल और लेडी ओलेफ बेडेन पॉवेल के जन्मदिवस पर ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट्स की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1928 में। मुख्यालय आपको लंदन इंग्लैंड में मिल जाएगा। संस्थापक अगर पूछे जाएंगे तो रॉबर्ट बेडेन पॉवेल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्काउट मूवमेंट की स्थापना कब हुई? 1922 में हुई थी। परिचालन मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो कुआलालंपुर मलेशिया में, और कानूनी जगह अगर पूछी जाएगी तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1851 में। मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो कोलकाता में, संस्थापक अगर पूछे जाएंगे तो थॉमस ओल्डहम। ओके, ब्रिक्स का मतलब हुआ ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, और इसकी स्थापना 2009 में हुई। मुख्यालय संघाई में मिल जाएगा। ओके, अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप हमारे हेलो और टिकटॉक पर भी अगर आप यूज़ करते हैं वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, वीडियो वॉच कर सकते हैं, और आप ट्विटर और शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी ओर से आप सभी के लिए, आपको खबरी ऐप पर जाकर तैयारी बिगनर्स की सर्च करना है और फिर वहाँ फॉलो भी करना है, और वहाँ से ऑडियो से आप वो करंट अफेयर का पर डे रिविज़न भी करना है। ओके, तो वो आपको करना ही करना है, इट्स एन ऑर्डर। ओके, तो आप खबरी पर जो भी रिवीजन है वीडियो देखिएगा, फिर रिवीजन के लिए आप खबरी ऐप पर ऑडियो सुनिएगा, जिससे आपका 2 times में रिवीजन हो जाएगा और आपको अच्छा सा तैयार भी हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको हमेशा फॉलो भी करना है और सुनना भी है। ओके, एंड अगर आप PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कीजिए और जो भी क्लासेस हों उनकी PDF वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो अब बात करके कर लेते हैं न्यूज़ की। श्री रामकृष्णन को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष पुरस्कार प्रदान किया गया है। आदर्श विधानसभा अध्यक्ष या आदर्श विधान परिषद अध्यक्ष का पुरस्कार केरल के विधानसभा के अध्यक्ष श्री पी रामकृष्णन को दिया गया। यह पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा दिया गया 20 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय छात्र संसद के 10वें संस्करण के दौरान प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने स्वस्थायी रेलवे स्टेशन शुरू किए हैं। भारतीय रेलवे ने उच्च मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ स्वटिकाऊ रेलवे स्टेशन लॉन्च किए हैं। मुख्य उद्देश्य यात्रियों की संतुष्टि और अनुभव को बढ़ाना है। इन सुविधाओं का उद्घाटन आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन नई दिल्ली में किया गया है। तो भारतीय रेलवे ने क्या किया है, स्वस्थायी रेलवे स्टेशन शुरू किए। एग्जाम के टर्म पॉइंट से ये बनेगा कि भारतीय रेलवे ने स्वस्थायी रेलवे स्टेशन की शुरुआत कहाँ से की है, तो आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन नई दिल्ली से की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक खाद महोत्सव,
तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव कहाँ पर मनाया गया था? तो नई दिल्ली में। ठीक है, इस त्यौहार का उद्देश्य क्या है? तो जैविक खाद्य उत्पादों को मजबूत करना, साथ ही जैविक उत्पादों के निर्माण में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। ठीक है, जयपुर के संस्थापक कौन थे? तो सवाई जयसिंह राजा जो थी वो जयपुर के संस्थापक थे। ओके, आनंदवन की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी बाबा ओमटे जी ने। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। वनस्पति शास्त्र के जनक के रूप में थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे। अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो शोरा है। इसी प्रकार जापान की अगर संसद पूछी जाएगी तो डाइट है, अगर रूस की संसद पूछी जाएगी तो ड्यूमा है। अब मजलिस आपको बतानी है, किस देश की संसद का नाम है मजलिस? ओके, महाप्रयाग घाट किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। ठीक है, राजघाट किसकी है ये भी आप बताएंगे। पंजिम शहर किसका प्राचीन नाम है? तो पणजी का। ठीक है, पणजी क्या है? गोवा की कैपिटल है और ये मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। बेलूर मठ का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1899 में किया गया था। ओडिशा की स्थापना किस दिवस को होती है, किस दिवस को हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस के रूप में ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा डे और उत्कल डे 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, अब डिस्कस करेंगे स्टेट को। स्टेट में आज हम लेकर आए बिहार को। बिहार की राजधानी होती है पटना, सबसे बड़ा शहर भी पटना है। घनत्व अगर पूछा जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। ठीक है, जिले अगर पूछे जाएंगे तो 38 है। राजभाषा हिंदी और उर्दू है। गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। राज्यपाल वर्तमान में है फागू चौहान जी। मुख्यमंत्री सभी को पता है नीतीश कुमार है। विधानमंडल यहाँ की 2 सदनीय है। विधान परिषद की सीटें 75 है। विधानसभा की सीटें जो हैं 243 है। राज्यसभा की सीटें 16 हैं और लोकसभा की सीटें जो हैं 40 हैं। 38 जिले हैं, लोकसभा की 40 सीट है, राज्यसभा की 16 सीट है। ओके, बिहार भारत के उत्तर भाग में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक है, तो इसकी सीमा किस किस से टच होती है? देश तो नेपाल से टच होती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से ये टच हो जाती है। बिहार का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के साथ बिहार शब्द से हुआ। बिहार शब्द के स्थान पर अपभ्रंश के रूप में बिहार से संबोधित किया जाता है। अब बात करेंगे स्टैटिक जीके की। तो बिहार के वन्यजीव अभयारण्य जो हैं वो हैं भीमबद्ध वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध पक्षी विहार, कंबर झील वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, नागी बांध पक्षी विहार, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, नकटी डैम वन्यजीव अभयारण्य, पंत वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य, बरेला झील सालेम अली पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य। और बिहार के प्रमुख बांध अगर पूछे जाएंगे तो बांध है किस नदी पर स्थित है? तो अजन बांध है, बदुआ बांध है, बदुआ नदी है, बरनार बांध है, जमुई नदी है, भास्कुंड बांध है, भास्कुंड नदी पर है, बिलास बांध बिलासी नदी पर, चंदन बांध चंदन नदी पर, और दुर्गावती बांध जो है दुर्गावती नदी पर स्थित है। ओके, अब स्पेशल नॉलेज में आज हम डिस्कस करेंगे शार्क को। तो शार्क में आज हम सार्क के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो सार्क को हिंदी में कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, हिंदी में इसको कहेंगे दक्षेस, और इंग्लिश में कहेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। मुख्यालय काठमांडू में है, राजभाषा अंग्रेजी है। महासचिव जो पूछे जाएंगे तो अजमत बी हुसैन है। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, अगर स्थापना पूछी जाएगी तो 8 सितंबर 1985 में हुई थी ढाका बांग्लादेश में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही घुमा हुआ बन जाता है कि दक्षेस की जो स्थापना है वह तो ढाका में हुई थी, मुख्यालय काठमांडू में है। ओके, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है। संगठन सदस्य देशों की संख्या लगभग 1.5 अरब है। देखा जाए तो ये किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली है। इसकी स्थापना 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान जो है इसका 8वां सदस्य बन गया था।
अब इसमें दिया गया है भारत, भारत की कैपिटल सभी को पता है नई दिल्ली है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद है, बांग्लादेश की ढाका है, श्रीलंका की जयवर्धनेपुरम कोट्टे और कोलंबो है, नेपाल की काठमांडू, मालदीप की कैपिटल माले है, और भूटान की जो है कैपिटल थिम्पू है, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है। ओके, तो अब ये सब जो करंट न्यूज़ थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जो भी स्टैटिक पोर्शन था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर भी अगर आपको अच्छा लगा है, अगर कोई भी क्वेरीज है आपकी तो आप बता सकते हैं, और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भूलिएगा, और शेयर कीजिएगा वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, और आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, आप हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर और शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डेली मोशन वेबसाइट अगर यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड आप आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन अगर करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिससे जो भी क्लासेस हो उनकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाए। ओके, एंड आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं बोल रही हूँ, खबरी ऐप पर जाकर, आप खबरी ऐप आपके फ़ोन में नहीं है तो आप इंस्टॉल कीजिए, ज़्यादा MB का नहीं है, उसे इंस्टॉल कीजिए, और वहाँ पर आप तैयारी बिगनर्स की सर्च करके उसे फॉलो कीजिए, वहाँ से ऑडियो क्लिप सुनिए, आपका बहुत अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा सारी न्यूज़ का, तो वो आपको करना ही करना है। ओके, एंड अपने सपनों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, और निरंतर आगे बढ़ते रहिए, जब तक आप सफल नहीं हो जाते, ये जुनून लेकर के हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इसी के साथ।